आज तो कोई पैसेंजर ही नहीं है। पागल साले। खुद तो मरोगे, सबको मारोगे। ओए पापे, तेनु पता है ऐ जो तूने प्लास्टिक के कप में चाय पी के फेंका है ना, इससे हमारे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हो सकता है। अब जाना यार, दिमाग क्यों खराब करता है? देखो जी, मैं तो सिर्फ दिमाग खराब कर रहा हूँ, तुझे तो सारे देश को खराब कर रहा हूँ जी। आज 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और आज हम खड़े हैं सीजी रोड पर, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, और इसमें अहम भूमिका निभाता है प्लास्टिक। तो आइए जानते हैं कि लोगों की क्या राय है प्लास्टिक के बारे में। एक्सक्यूज मी मैम, डू यू नो द यूज ऑफ प्लास्टिक इज मोस्ट प्रॉब्लमेटिक इन द वर्ल्ड? और आपने फिर भी कपड़ों से ज्यादा प्लास्टिक के बैग्स ली हुई है? Yeah, but it's not only my problem, it's all over world's problem. But madam, we are getting late, no comments. तो ये थी राय आज की जनरेशन की। आइए जानते हैं और लोग क्या सोचते हैं प्लास्टिक के बारे में। भैया, जब आप जानते हैं कि प्लास्टिक की थैली में खाना धीरे धीरे करके बिगड़ने लगता है, फिर भी आप प्लास्टिक की ही थैली क्यों देते हैं? क्या करें मैडम, कोई घर से लाता नहीं तो फिर हमें रखनी पड़ती है। मैडम, आपको पता है कि प्लास्टिक सेहत के लिए कितना हानिकारक है, फिर भी आप घर से कपड़े की थैली क्यों नहीं लाती है? अरे मैं तो भूल गई। आप भूल गई या आपको शर्म आती है? नहीं नहीं, मैं भूल गई। एक्सक्यूज मी सर, आपने ये कप डस्टबिन में क्यों डाला और लोगों की तरह बाहर क्यों नहीं डाला? वेल, इट्स वेरी सिंपल, आई नो इट कैन बी रिसाइकल्ड। आज 5 जून है, प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? वेल, इन टुडेज वर्ल्ड प्लास्टिक इज अ वेरी नेसेसरी मटेरियल। आई थिंक देयर आर थाउजेंड ऑफ थिंग्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो आप ये कहना चाहते हैं दैट प्लास्टिक इज अनअवॉइडेबल इन टुडेज वर्ल्ड एंड पॉल्यूशन व्हिच इज क्रिएट इज आल्सो नॉट स्टॉपेबल? या, बट इट कैन बी रिसाइकल्ड। नहीं नहीं, ये सब गलत है। सिर्फ 30% प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है, सब नहीं। लेकिन किसी को परवाह नहीं है कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना हानिकारक होता है। पर आपने अपने शरीर पे इतना सारा प्लास्टिक क्यों लगा रखा है? आज मेरे शरीर पर है, कल तू सबके शरीर पर होगा। एक दिन पूरे वर्ल्ड में हर जगह प्लास्टिक होगा। डू यू नो हाउ डेंजरस प्लास्टिक कैन बी? उसके प्रोडक्शन में टन्स ऑफ एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज यूज हो जाते हैं, और आखिर में लैंडफिल्स में जाता है जहां वो कभी सड़ता भी नहीं है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दिस पॉलिथीन बैग्स, इट इज यूज्ड इन सच ए बिग अमाउंट, इवन डेवलप्ड कंट्रीज भी इसे बिना कोई रोक टोक के यूज करते हैं। आपको पता है, एक एडल्ट एक साल में 400 बैग यूज करता है, 400 बैग्स। चार बैग बनाने में 1 kg कार्बन पैदा हो जाता है। इज इट नॉट डेंजरस टू अवर हेल्थ? इट्स नॉट अवर प्रॉब्लम? इन प्लास्टिक की वजह से हमारी ड्रेनेज सिस्टम पूरी ब्लॉक हो जाती है, और मॉनसून में जब बारिश आती है तब बारिश का पानी ड्रेनेज में नहीं जा पाता है, और वही पानी हमारे घरों में और सड़कों में उभरता है। ये पॉलिथीन बैग्स रिवर तक और फिर वहां से सी तक पहुंचाती है। एक दिन ऐसा आएगा जब इस धरती पर इतना प्लास्टिक हो जाएगा कि हमारे रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। हम अपने आप को मारने की तैयारी करते जा रहे हैं। बस 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 करो। क्या प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को ऐसे ही नुकसान पहुंचाता रहेगा? क्या प्लास्टिक का यूज हम रोक पाएंगे?